हर व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत जरूरी है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। स्वास्थ्य मेला भी इसी की एक कड़ी है जो सभी के लिए मददगार साबित हो रही है। यह बातें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लक्ष्मीपुर और रतनपुर में आयोजित ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में कही। इस दौरान कुल 1630 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विशिष्ट अतिथि नतनवा विधायक रिहित त्रिपाठी ने कहा कि स्वास्थ्य मेले में एक छत के नीचे स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, आम जन इसका लाभ उठाएं। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और विधायक ने बाल विकास परियोजना, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक परिषद, होम्योपैथ चिकित्सक, चिकित्सा, आयुर्वेदिक, युवा कल्याण विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य डॉट्स, कुष्ठ रोग, महिला कल्याण, किशोरी स्वास्थ्य परामर्श, दवा वितरण, आयुष्मान भारत कार्ड, HIV विभाग समेत कुल 14 विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया। संचालन विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री चंद्र प्रकाश मिश्र ने किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष समीर त्रिपाठी, भाजपा नेता हरिकेश चंद्र बाठक, जिला पंचायत सदस्य राम सेवक जायसवाल, डिप्टी CMO AIA अंसारी, अधीक्षक डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता सहित 14 विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। रतनपुर में कुल 742 रोगियों की जांच की गई, इसमें से 306 महिलाएं और 437 पुरुष थे। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, विधायक ऋषि त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्देशिया उपस्थित रहे। मेले में चिकित्सा औषधि टीकाकरण, किशोर स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, कोविड टीकाकरण, कोविड जांच आदि के स्टॉल लगाए गए थे। CSC अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश यादव, डॉक्टर अमित गराव गौतम, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर JP चौधरी, डॉक्टर विश्वजीत फिजियोथेरेपिस्ट, जितेंद्र कुमार त्रिपाठी BCPM, मुहिता त्रिपाठी, हरिनाथ यादव BPM, धर्मेंद्र शाही सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं चला रही, मेरा योजना चलाने का केवल मकसद नहीं कि योजना चलाकर छोड़ दिया, उसका प्रचार प्रसार भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मेला के माध्यम से भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं चल रही उनको कहीं ना कहीं हम लोग जनता को बताने का काम करते हैं। कितना लाभ मिला है आज? मैं अभी जो 3 ब्लॉक में मैं जा चुका हूँ, अभी OPD के माध्यम से अगर देखें तो अभी यहाँ पर 785 लोगों ने विजिट किया है और वहाँ पनियरा में करीब 1100 से ज़्यादा लोगों ने विजिट किया और तमाम और काउंटर से जहाँ पर 150 अलग लोगों में लोगों ने विजिट किया है, इससे कहीं ना कहीं जागरूकता। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।